हेलो एवरीवन। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा, हमारे गेम के अंदर OB36 अपडेट आने वाला है। इस वाले अपडेट के आने के बाद क्या क्या चीज़ें चेंज होगी वो मैं आपको बताने वाला हूँ। टोटल 8 चेंज है और ये कोई लाइव स्ट्रीम तो है नहीं। तो गाइस वीडियो बहुत ज़्यादा छोटा सा है, वीडियो को पूरा एंड तक देखना। आपको कोई भी बड़े बड़े लाइव स्ट्रीम देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। छोटी सी वीडियो पर मैं आपको पूरा अपडेट के बारे में क्लियर कर दूंगा। तो फटाफट हम लोग 8 नंबर के चेंज से स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा 8 नंबर का चेंज है वो होने वाला है कस्टम HUD के अंदर। और यहाँ पर क्या है वो आपको दिख ही गया होगा। यहाँ पर आप लोग 3 कस्टम HUD रख सकते हो अपने गेम के अंदर अलग अलग। तो यहां पर आपको तीनों ऑप्शन मैंने आपको दिखा दिए। तो ये था हमारा 8 नंबर का चेंज। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे 7 नंबर के चेंज की तरफ, जो कि होने वाला है गन के स्लॉट में, मतलब जो वेपन का ऑप्शन होता है यहां पर। इस पर अगर आप लोग जाओगे तो यहां पर आपको एक न्यू गैलरी वाला ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। इस पर जैसे हम लोग क्लिक करते हैं तो यहां पर बहुत सारे गन दिखाई दे रहे हैं अलग अलग कलर की। पर यहां पर यार मैं सही से नहीं बता पाऊंगा आपको, क्योंकि यहां पर मेरे पास गन स्किन तो है नहीं। पर मैं आपको एक हिंट दे देता हूं, यहां पर आपको गन डिवाइड मिलेगी, मतलब जो भी गन स्किन होगी आपकी उसको आप लोग इजिली चूज कर पाओगे। पर अभी मेरे पास गन स्किन नहीं है तो यहां पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। बाकी कोई न्यू गन यहां पर देखने के लिए नहीं मिली मुझे। हर अपडेट में नई गन आती है, पर इस अपडेट में कोई भी नई गन देखने के लिए आपको नहीं मिलने वाली। तो देख सकते हो एक भी नई गन नहीं है। तो ये था हमारा 7 नंबर का चेंज। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे 6 नंबर के चेंज की तरफ। तो जो हमारा 6 नंबर का चेंज है वो होने वाला है क्लेश स्क्वाड में। आप देख सकते हो यहाँ पर एक नया मैप जो कि अभी आया है नेक्स्ट्रा नाम का, ये वाला ऐड हो चुका है। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसमें आपको 7 से 8 लोकेशन देखने के लिए मिलेगी इस वाले मैप की। तो काफ़ी मज़ा आएगा और इन्जॉय कर पाओगे आप लोग CS को अगर खेलते हो तो। तो ये था हमारा 6 नंबर का चेंज। बढ़ते हैं 5 नंबर के चेंज की तरफ। तो जो हमारा 5 नंबर का चेंज है वो होने वाला है इन गेम और काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो इस लड़की ने मेरा किल करा यहाँ पर, और यहाँ पर ऊपर देख सकते हो मैं उसको देख रहा हूँ। तो अभी मुझे तो पता है कि मैं उसको देख रहा हूँ, पर मेरे अलावा अगर कोई और देख रहा होता तो यहाँ पर हम लोग पहले पता नहीं कर पाते थे। पर आप इजीली यहाँ पर क्लिक करके पता कर सकते हो कौन कौन देख रहा है आपको या फिर जो सामने वाला बंदा है उसको। तो देखो अभी ये किल करेगी इसका, फटाफट करे, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। तो यार फटाफट कर नूब। और यहाँ पर देख सकते हो 2 लोग यहाँ पर इसको देख रहे हैं। इस पर जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर 2 लोगों के नाम आ रहे हैं, SK28 गेमिंग, उसके नीचे दूसरा भी नाम आ रहा है। तो इसी तरीके से अगर कोई आपको भी देखता है, एक्सपेक्ट कर रहा रहता है, तो आप उनका नाम देख सकते हो कि कौन कौन आपको देख रहा है। और यार इस बारे में सोचा भी नहीं था बिल्कुल, पर इस वाले अपडेट में ये चीज़ आई है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी मुझे फिलहाल ये। तो ये था हमारा 5 नंबर का चेंज। अब बढ़ते हैं 4th नंबर के चेंज की तरफ, जो कि है ट्रेनिंग राउंड के अंदर। और आपको दिख ही गया होगा यहाँ से जो हमारा सोशल जोन होता है वो हट चुका है। यहाँ पर पहले सोशल जोन होता था, वो हट चुका है। अब आप लोग यही सोच रहे होंगे कि हमारा जो सोशल जोन है वो कहाँ पर देखने के लिए मिलेगा ट्रेनिंग राउंड के अंदर। तो मैं आपको बता देता हूँ, ट्रेनिंग राउंड के अंदर आपको सोशल जोन कहीं भी नहीं देखने के लिए मिलेगा आपको, मतलब समझ लो ट्रेनिंग राउंड से हट चुका है सोशल जोन। तो अब बढ़ते हैं हमारे 4th नंबर के चेंज की तरफ, जो कि इससे रिलेटेड होने वाला है। मतलब जो हमारा सोशल जोन है वो आप लोगों को बाहर देखने के लिए मिलेगा, मतलब गेम के बाहर। यहाँ देख सकते हो सोशल आइसलैंड लिखा हुआ है। इस पर जैसे क्लिक करके स्टार्ट करोगे आप लोग तो उसी वाले सोशल जोन पर चले जाओगे जो कि आपका ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर होता था। वही पूरा सेम टू सेम रहेगा, बस थोड़ी सी चीज़ अलग होगी वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। देखो पूरा सेम टू सेम वही मैप है, पर यहाँ पर एक नई चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगी वो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। वो है फुटबॉल ग्राउंड, जो कि हमारा हो गया है ट्रेनिंग ग्राउंड के, जहाँ पर ट्रेनिंग ग्राउंड था पहले उसके जगह पर। यहाँ पूरा जितना भी आपको ग्राउंड दिख रहा है, इस जगह पर पहले हमारी ट्रेनिंग ग्राउंड हुआ करती थी, पर अब ट्रेनिंग ग्राउंड और सोशल जोन को अलग अलग कर दिया है। अब इसके अंदर जाने के लिए आप डायरेक्ट नहीं जा सकते, आपको इस फुटबॉल के पास आना पड़ेगा और यहाँ पर जैसा सोशल जोन में करते थे वैसी होगा और सीधा आप लोग अंदर आ जाओगे। अब अंदर यहाँ देखो लवबाजी चल रही है, पता नहीं लड़के लड़कों को प्रपोज कर रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ पर अब क्या होगा ये इतना कुछ भी नहीं पता मुझे, क्योंकि मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ तो ऐड होगा, क्योंकि यहाँ नॉर्मली कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, बस एक ग्राउंड टाइप से। तो अब इसमें क्या चीज़ ऐड होगी वो अपडेट आने के बाद पता चलेगा, या फिर ऐड होगी भी या फिर नहीं होगी पता नहीं है। तो ये था हमारा 4th नंबर का चेंज था मेरे ख्याल से। हाँ, तो ये था हमारा 4th नंबर के चेंज। बढ़ते हमारे 3rd नंबर की चेंज की तरफ, जो कि है हमारा न्यू पेट। तो न्यू पेट का लुक आप सामने देख सकते हो, और बड़ा करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये रहा हमारा न्यू पेट, जो कि भेड़िया लोमड़ी कुछ भी बोल सकते हो आप लोग। तो इसकी एबिलिटी के बारे में बता देता हूँ, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सी एबिलिटी। अगर आपका फ्रेंड नोक होगा तो आपकी HP बढ़ेगी। तो ज़्यादा